आपके कंटेंट की पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ड्राइव ही वो चीज़ करेगी कि मैंने क्या करना है। एंड वो जो पावर डायनामिक अभी सिनेमा, ड्रामा, वेब सीरीज का है, जैसा इंटरनेशनल मार्केट में अदनान सर ने एक बात बोली थी कि पाकिस्तानी मार्केट इज येट टू रीच टू द लेवल वेयर द इंटरनेशनल मार्केट इज राइट नाउ, जो कि बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ डायल्यूट होना शुरू हो गया है। सो पाकिस्तान विल ऑल्सो विद ग्रेट कॉन्टेंट लाइक दिस बनता रहेगा, होता रहेगा विद प्लेटफॉर्म्स लाइक टैपमैट कमिंग फॉरवर्ड, तो हम भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। सो दैट्स वेयर आई थिंक द फ्यूचर लाइज। ऑल्सो कोई भी अगर यंगस्टर आज की दुनिया के अंदर एक ख्वाब देखेगा एक्टर बनने का, तो वो यही सोचेगा कि काश मुझे नेटफ्लिक्स में कोई चीज़ ऑफर हो जाए, काश मुझे हॉलीवुड में कोई कोई रोल ऑफर हो जाए। वो इसलिए होगा क्योंकि वो चाहेगा कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिले टू एक्ट, टू प्ले अ कैरेक्टर, और ताकि वो रियलिस्टिकली जितना हो सके उस कैरेक्टर को प्ले करे। आई फील लाइक हम बहुत लकी हैं कि हमें पाकिस्तान में बैठे हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो नेटफ्लिक्स की तरह कंटेंट बना रहा है, और उतना ही रियलिस्टिक और उतना ही क्लोजर टू रियलिटी कंटेंट होगा। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड समथिंग। हम टैपमैट की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा एम ही यही है कि हम लोग लोकल टैलेंट को ये चांस दें कि उनको प्लेटफॉर्म मिले वो दे कैन एक्चुअली एक्सेल एंड हैव अ करियर इन दैट, राइट? सो यू नो वी डिड लाइक आपको कोक स्टूडियो को पता है, इट वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन पाकिस्तान में, इट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड नाउ इन मेनी कंट्रीज। तो वी वर्क विद कोका कोला टू डू कोक कोक फेस्टिवल। So what we chose to do in that was that we took local talent, really guys who are blowing up on TikTok, on YouTube, and other places like Young Stunners, Kake, and these guys. And instead of just having the kind of more established artists working together and collaborating in Coke Studio, we wanted to bring together that young talent that's not being looked at. They don't think they're going to make it and have a monetization career where they can actually focus on this. So we in the same way we kind of. And along with advice from Ira and Nina and with Adnan, we are really, really happy, and I think the product will show that it's a successful story where young talent should be given that opportunity to see that if I choose to do this, I can actually build a career and a life on this. And that's how you will, I think, support creatives to create, right? So, thank you. Also, I feel like वो जो 15 साल का बच्चा content consume करता है ना, वो मोस्टली अपने फ़ोन पे करता है या अपने लैपटॉप पे करता है, विच इज़ ऑल डिजिटल, विच मीन्स दैट डिजिटल इज़ द फ्यूचर ऑफ कॉन्टेंट कंजम्पशन। आप कह सकते हैं कि शायद टीवी से वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, हम लोग मोस्ट शोज़ तो देखते हैं वो नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। सो नाउ दैट ये पाकिस्तान की पहली उस तरीके की ऐप है और ये पाकिस्तान का पहला वैसा शो है, फील लाइक वी आर वेरी लकी कि हम उस चीज़ के एक्चुअल बिगिनिंग में हम लोगों को चांस मिला है। एंड अब जब वो बच्चे देखेंगे हमें तो उनको होगा कि उनके दिमाग में ख्याल आएगा कि अच्छा प्रॉपर्ली और चीज़ें बनेंगी इस तरह की, एंड वी कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट। सो आई फील लाइक आई एम वी आर वेरी लकी टू बी द फर्स्ट वंस टू डू दैट। जैसा कि आपने कहा कि हर किसी का ख्वाब होता है कि वो टीवी से स्टार्ट करें, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल की जो आने वाली जनरेशन है, तो हम लोग हैं, हमारी एज के जो लोग हैं, टीवी हम नहीं देखते।